और अगर कार्रवाई हो जाती तो आज हमारा भाई हमारे साथ होता। कुल्ला कुरैशी नगर इलाके में रह रहे सिकंदर अली कुरैशी नामक 40 वर्षीय शख्स पर कुछ लोगों ने हमला किया, जिन्हें बचाने उनका भाई साजिद अली कुरैशी 50 वर्षीय पहुंचा। इस दौरान किसी ने साजिद अली पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई और दो लोग घायल बताए जा रहे हैं। शनिवार की रात हुए इस हमले में 12 से 15 लोगों के शामिल होने की खबर है। वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई और मामला तूल पकड़ने लगा। फिलहाल चूनाभट्टी पुलिस ने इस मामले में एक नाबालिग सहित 6 लोगों को हिरासत में लिया और बाकी लोगों की तलाश कर रही है। कारनामे के बारे में बताना भूल गया आप लोगों को। इन लोगों का मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्स, बेटिंग, सट्टा और हत्ता वसूली करना, ये इन लोगों का जो है इनके गैंग का जो दस्तूर है। और इलीगल चाइनीज के धंधे। तो हमने काफी बार एनसीडी पुलिस को बताया इनके धंधों के बारे में, इनके जो है क्राइम के बारे में, लेकिन अफसोस चूनाभट्टी पुलिस स्टेशन जो है इन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई ना कर पाई। और अगर कार्रवाई हो जाती तो आज हमारा भाई हमारे साथ होता। इसीलिए हम ये चाह रहे हैं न्यूज ज्यादा से ज्यादा फैलाए और इस बारे में सबको आगाह करें कि ये चूनाभट्टी पुलिस स्टेशन अगर एक्शन नहीं लेती है गैंग के ऊपर, तो आज ये नुकसान जो हम लोगों को हो रहा है ये कभी नहीं होता।